तो आप देख सकते हैं कि घूमा पुरानी परंपराओं के अनुसार आदिवासी कल्चर और परंपराएं कवरी नृत्य के माध्यम से बता रहे हैं कि पूर्व काल में इस प्रकार से घूमा चोरी करने के लिए गांव में जाता था, बड़े ही आसानी से बड़ी ही चतुरता के साथ चोरी कर लिया करते थे, डकैती डाला करते थे, लेकिन आज ये पकड़े जाएंगे। तो कैसे पकड़े जाएंगे उसके बारे में भी देखिए अभी ये विस्तार से। इन्होंने मादल तो चुराई है लेकिन उसको बजाना नहीं आता है, करेंगे क्या। अब चोर के तो कहते ना भागती चोर की लंगोटी भरी, तो भी चोरी करके भागना चाहते हैं, लेकिन चारों ओर पुलिस लगी हुई है, पूरा घेरा बंद है। प्लानिंग कर रहे हैं किधर से भागेंगे। देखिए ढोलक लेके सामान लेके भाग रहे हैं, और ये पौराणिक जो शस्त्र है, पौराणिक जो कथाएं हैं, उनको आज भी यहाँ नृत्य के माध्यम से बड़ी आसानी से समझा जा सकता है, बड़ी आसानी से ये सुनिश्चित कर लिया जाता है कि कैसे। देखिए भागते हुए को पकड़ लिया है और अब ये पुलिस को हवाले कर दिए जाएंगे, पुलिस फिर इनका निष्कर्ष निकालेगी। तो भागने की कोशिश कर रहे थे, चारों ओर पुलिस का पहरा होने के कारण नहीं भाग पाए। और गौरी नृत्य का आयोजन उदयपुर के सब्जी मंडी मुखर्जी चौक में ये आयोजन हो रहा है, बहुत ही सुंदर और मार्मिकता के साथ ये कार्यक्रम है। अपने क्षेत्र की भाषाओं में ये संवाद कर रहे हैं। उमा मीणा को पकड़ लिया गया है और अब ये अपने परिवार को बुला रहे हैं। भाइयों की आने वाली है और बादल बसते ही सारी फौज तैयार हो जाएगी, सारे देवी देवता भी आह्वान। देखिए छोटे छोटे बच्चे भी देखने के लिए श्रोता के रूप में आए हैं। तो राजस्थान की ये गौरी नृत्य का आनंद सैकड़ों सालों से लेते आए हैं और आज भी देखिए बड़ा ही आनंद है और दर्शकों की यहाँ पे संख्या कम नहीं है। अब यहाँ पर देखिए पाती फोपा जी विराज गए हैं, जो पेरावनी करने वाले जो यहाँ की बहन बेटी है वो पेरावनी करेगी। ये आवाज देना।